मध्य प्रदेश में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है। इसी को लेकर इंदौर में महापौर पद के दावेदार संजय शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया, वहीं निगम चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर बेबाकी से जवाब दिया। आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले चुनाव नहीं थे, जब इंदौर में तो पूरी दुनिया के अंदर लोग भर रहे थे, जब तो कांग्रेस घर में नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे, उन लोगों ने क्या करा, आज शहर में क्या करा, उस टाइम भी आप देखा होगा हमको उन्होंने मारा, हम डरे नहीं, कोरोना के अंदर नहीं मिला, पहले बताया, आज क्यों डर गया, डरना नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हाल कार्यकर्ता आपको देखा हुआ, कल भी कम 1000 आदमी का इकट्ठा हो गया, 2 घंटे चेंज होने के प्रोग्राम, क्योंकि अयोध्या इंदौर के इसके लिए इंदौर की बीच में बोला, क्योंकि हमको सब कुछ देखना है, हमेशा नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ वाई वाई के ढेला लेकर लोगों ने निकल जाए और ये कार्यक्रम कर ले, एक इंदौर एक कन्या का अपमान करने के लिए बहुत सारे थे, उनका अपमान करने के लिए ये हमने कहा था, आपको हमारा साथ देना चाहिए, इंदौर शहर का अपमान हुआ या हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ, इंदौर शहर के लोगों का आपके साथ क्यों थे, आप जनता के साथ नहीं खड़े रहते, आपका नाम आपके साथ क्यों खड़े रहे, आपने पानी के लिए कितना झंडा चलाया, पानी के लिए कितना करा, और ये होता रहता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग करते नहीं, देख दुख की बात ये आ रही है, अभी सर्वे किया अपन लोगों ने, बिना बात की बात जो अध्यक्ष है साथ कांग्रेस उनके बड़े प्रत्याशी नहीं मिल रहा कांग्रेस बाढ़ हमारे पास बूथ कमेटी है, हमारे पास वार्ड तक एक एक वार्ड में 4-4-5 दावेदार है, ये तो यार भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय अरे भैया मेरे बगल में तो 4-4-5 दावेदार है, आप बोलो सूची दे दू, आप बोलो तो कल यार आपके सामने लड़के बना दो, कैसे बात कर रहे हैं, आप अपने मन से कोई भी गांव के ऊपर बनाना चाह रहे हैं, पार्टी मालिक चाचा पांच को डावे डाले ऐसा मत करो, सर मैं मतलब अच्छा कोई होने बना रहा हूँ, वो ऑलरेडी हीरो है, उसने हिंदुस्तान का नाम है, आप एक तैयार है, आपने देखा होगा
कल क्यों करेंगे? ये तो सिर्फ एक इंदौर शहर की शान के लिए इंदौर महाराजी कारण हमने कैंसिल किया। ये तो कल क्या है, एक के दस केस लगाते हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता पहले भी तैयार था, आज भी तैयार है, हजारों केस लगा रहे। आज भी आपने कहा हर थाने के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है उसको बंद किया जा रहा है, जब भी वो नहीं डर रहा है तो हम क्यों डरेंगे? जनता हमारे साथ है और अपनी नगर निगम चुनाव में मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सिर्फ 20 साल से जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और मुख्यमंत्री बेवकूफ बना रहा है, जैसे अभी आपको गौतम सिंह बताया ऐसे ही मुख्यमंत्री बेवकूफ बना रहे हैं। आपने देखा होगा कल उन्होंने एक घंटे के अंदर आधे घंटे के अंदर 8 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं 8 घंटे में कोई 8 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है आधे घंटे के अंदर? ये तो इन लोगों ने वो माफियाओं से पैसा इकट्ठा किया जो 15 साल से जो अधिकारी लोग यहाँ बैठे हुए उनसे पूछिए, जो 5-5 साल से टिके हुए उनके माध्यम से वो माध्यम से वो भी कमा रहे तो वो पैसा इकट्ठा करके जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा। और हम जहाँ तक ये बात है खिलौने की बात, खिलौने के लिए हम लोगों ने मेरी विधानसभा में आंगनबाड़ी में सभी विधानसभा विधायकों ने मांग करी थी आंगनबाड़ी ने कि हम खिलौने दीजिए, हमने खिलौने हमने दिए, परंतु ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, बात बनाई जा रही है, परंतु जो जनता जानती है नगर निगम चुनाव में पंचायत चुनाव के अंदर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पहली बार 77 में आदरणीय इंदिरा गांधी जी को बिठाया था, अब की बार मुख्यमंत्री जी को घर बिठा देंगे, जैसे उन्होंने इंदौर की जनता को कचरे में भर के गाड़ी भेज के भैया था वैसे भारतीय जनता पार्टी को भर देंगे।